Welcome you all in our channel Dr. Agriculturist. I am Devendra Chaudhary. In this video, we are going to discuss about defense mechanism in plant. This is for the course Fundamentals of Plant Pathology. Plants are attacked by many fungus, virus, and bacteria. It has been reported that. 1 lakh fungi 500 bacteria 1000 viruses 2500 post harvest pathogen and 500 nematodes attacks different plants but plant has got many defense mechanism by which they got resistance response against many pathogens so in this video we are going to discuss about defense mechanism in plant there are two type of defense response in plant first is known as structural or morphological defense mechanism which act as a physical barrier second is known as biochemical reaction that take place in cell and tissues that are either toxic to pathogen आर क्रिएट कंडीशंस दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजन इन प्लांट सो डिफेंस मैकेनिज्म टू टाइप के हो गए पहला है स्ट्रक्चरल दूसरा है बायोकेमिकल स्ट्रक्चरल मतलब कि जो भी फिजिकल बैरियर हैं जैसे कि सेल वॉल क्यूटिकल वैक्स लेयर्स ये सब हो गए स्ट्रक्चरल में और दूसरा है बायोकेमिकल जो कि सेल के अंदर की बायोकेमिस्ट्री उसे डिसाइड करती है डिफेंस मैकेनिज्म दो भाग में डिवाइड किए गए हैं पहला है प्री एग्जिस्टिंग और दूसरा है पोस्ट मतलब कि कि ऐसा डिफेंस जो पैथोजन के अटैक से पहले से प्रेजेंट है उसे कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग और ऐसा डिफेंस रिस्पॉन्स जो कि पैथोजन के इन्फेक्शन के बाद प्लांट्स में डेवलप होते हैं वो कहलाते हैं पोस्ट इन्फेक्शनल और इंड्यूस्ड डिफेंस रिस्पॉन्स अभी हम इन चारों को एक एक करके देखेंगे पहले देखते हैं प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म जैसे कि वैक्स लेयर क्यूटिकल हेयर्स आर ट्राइकोम्स एंड सेप एंड एक्टिविटी ऑफ स्टोमेटा जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं यह है क्यूटिकल लेयर और क्यूटिकल लेयर के ऊपर में होता है वैक्स लेयर किसी किसी प्लांट्स के सरफेस में जो हमें चमकीला पदार्थ दिखाई देता है वो वैक्स होता है जो कि पानी को प्लांट सरफेस में रुकने नहीं देता है और प्लांट सरफेस में छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें ट्राइकोम्स कहते हैं और ये स्टोमेटा इस्टोमेटा का साइज और उसके ओपन और क्लोज होने का टाइमिंग यह डिफेंस मैकेनिज्म को प्रभावित करता है आगे बढ़ते हैं लेयर, वैक्स ऑन द लीफ एंड फ्रूट सरफेस फॉर्म अ वाटर रिपेलेंट सरफेस देयर बाई प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ फिल्म ऑफ वाटर ऑन विच पैथोजन माइट बी डिपोजिटेड एंड जर्मिनेट आर मल्टीप्लाई सो ये जो वैक्स का लेयर होता है वो वाटर रिपेलेंट होता है और पौधे के सरफेस में प्रेजेंट होता है वैक्स लेयर प्लांट सरफेस में वाटर के मॉलिक्यूल्स को जमा होने नहीं देता है अगर प्लांट के सरफेस में वाटर मॉलिक्यूल्स जमा होता है तो उसमें फंगस और बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो यहां पर अगर वाटर मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट नहीं होगा तो फंगस और बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं होंगे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये वैक्स लेयर क्यूटिन के साथ मिक्स है और ये प्लांट सरफेस के ऊपर में प्रेजेंट होता है दूसरा है क्यूटिकल थिकनेस जो क्यूटिकल प्लांट सरफेस के ऊपर में प्रेजेंट होता है उसका थिकनेस प्लांट्स में रेजिस्टेंस को निर्धारित करता है पैथोजन इंटर इट्स होस्ट ओनली थ्रू डायरेक्ट पेनेट्रेशन प्लांट के सरफेस के ऊपर में ये क्यूटिकल का लेयर प्रेजेंट होता है और बहुत सारे फंगस ऐसे हैं जो कि इस क्यूटिकल लेयर को तोड़ के प्लांट के अंदर इंटर करते हैं अगर क्यूटिकल का थिकनेस ज्यादा है पैथोजन को मेहनत भी ज्यादा करना पड़ेगा और बहुत सारे पैथोजन इस थिक क्यूटिकल को ब्रेक नहीं कर पाते हैं और डिजीज नहीं कर पाते हैं अगर यही क्यूटिकल अगर पतला है तो बहुत सारे पैथोजन इसे ब्रेक करके प्लांट सेल के अंदर चले जाते हैं और, और इन्फेक्शन करते हैं ट्राइकोम्स आर हेयर्स अ थिक मेट ऑफ हेयर्स ऑन द प्लांट सरफेस ऑल्सो एग्जर्ट अ वाटर रिपेलिंग इफेक्ट एंड में रिड्यूज द इन्फेक्शन जैसा कि हम जानते हैं जो भी बैक्टीरिया और फंगस होते हैं वो वाटर के ड्रॉपलेट्स में मल्टीप्लाई होते हैं और प्लांट्स में इन्फेक्शन करते हैं लेकिन ये जो हेयर्स होते हैं वो वाटर ड्रॉपलेट को प्लांट सरफेस के कॉन्टेक्ट में नहीं आने देते हैं जिससे इन्फेक्शन नहीं होता है सेप एंड एक्टिविटी ऑफ स्टोमेटा स्टोमेटा क्या होता है यह एक पोर होता है जो कि प्लांट सरफेस में लीफ में प्रेजेंट होता है और ये ऑक्सीजन और सीओ टू का एक्सचेंज करता है लेकिन कुछ ऐसे पैथोजन हैं जो कि इस स्टोमेटा के थ्रू प्लांट के सेल के अंदर चले जाते हैं और इन्फेक्शन करते हैं जैसे कि स्टेम रस्ट ऑफ वीट जो केवल ओपन स्टोमेटा में ही इंटर करता है लेकिन कुछ ऐसे पैथोजन भी हैं जो क्लोज इस्टोमेटा में भी इंटर कर सकते हैं सो so, यह इस्टोमेटा कैसे प्लांट के डिफेंस में हेल्प करेगा इसके दो तरीके हैं पहला है ओपनिंग टाइम और दूसरा है साइज एंड सेप ठीक है ओपनिंग टाइम यह देखा गया है कि कुछ गेहूं की वेराइटीज जिसमें स्टोमेटा लेट में ओपन होते हैं वो रजिस्टेंट होते हैं कैसे जैसे कि ये लीफ है और यहां पर ये एक पोर है मतलब स्टोमेटा है यहां पर वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट है नाइट में जब टेम्परेचर कम होता है उस समय यहां पर वाटर के ड्रॉपलेट जमा हो जाते हैं जिन्हें ओस की बूंदे कहते हैं सो जो फंगस होता है वो यहां पर सर्वाइव करते रहता है जीवित रहता है उसके बाद जब सवेरे होता है उस समय यह स्टोमेटा ओपन होता है और जैसे स्टोमेटा ओपन होता है यह फंगस स्टोमेटा के द्वारा प्लांट के अंदर चले जाता है लेकिन कुछ ऐसे वीट के वैरायटी जिसमें कि स्टोमेटा लेट में ओपन होते हैं जब स्टोमेटा लेट में ओपन होगा तब तक सूर्य की गर्मी से यह जो वाटर के ड्रॉपलेट हैं वो वाष्प बन के उड़ जाते हैं और यहां पर कोई वाटर प्रेजेंट नहीं होता और अगर यहां पर वाटर नहीं है तो पैथोजन भी नहीं रहता है और वो सूर्य की गर्मी से मर जाता है और फिर वो इन्फेक्शन नहीं कर पाता है सो इस्टोमेटा के लेट में ओपन होने से यही फायदा है कि जब तक इस्टोमेटा ओपन होता है उसमें प्रेजेंट वाटर के ड्रॉपलेट्स वास्प बन के उड़ जाते हैं और इन्फेक्शन नहीं होता है अब हम देखते हैं दूसरी कैटेगरी सेप एंड साइज कुछ प्लांट्स वेराइटी में ऐसे देखा गया है कि ये जो इस्टोमेटा की ओपनिंग होती है और उसका जो साइज होता है वो बहुत ही नैरो होता है और यहाँ पर जो गार्ड सेल होते हैं वो थोड़े उभरे हुए रहते हैं इलेवेटेड रहते हैं जिसके कारण से यहाँ पर जो आसपास में बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है वो इस्टोमेटा के ओपन होने के बाद भी प्लांट सरफेस के अंदर इंटर नहीं कर सकता और ये जो सेप एंड एक्टिविटी आप इस्टोमेटा है ये बैक्टीरिया पैथोजन के अगेंस्ट में देखा गया है जबकि ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा रस्ट के अगेंस्ट में देखा गया है अगर हम ऐसे स्टोमेटा को साइड से देखें तो इस प्रकार से दिखेगा जो नॉर्मल स्टोमेटा है वो इक्वल रहेगा और यहां पर स्टोमेटा है और और जो एलिवेटेड गार्ड सेल वाले स्टोमेटा है वो कुछ इस तरह से रहते हैं अब देखते हैं इंड्यूस्ड स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म जैसे कि कॉर्क लेयर, लेयर, गम्स, पेपिली और टाइलोसिस सो so, ये जो स्ट्रक्चर हैं, वो प्लांट्स में इंफेक्शन के बाद बनते हैं मतलब कि ये पहले से प्रेजेंट नहीं होते हैं पहले देखते हैं कॉर्क लेयर के बारे में माना कि ये प्लांट्स के बहुत सारे सेल हैं और पैथोजन का इन्फेक्शन यहां पे हो चुका है एक फंगस इसमें इंफेक्शन किया तो क्या होगा अब ये फंगस प्लांट सेल के अंदर आ गया है अब ये प्लांट सेल से अपना न्यूट्रिशन लेगा और ग्रोथ एंड मल्टीप्लाई करेगा और ये फर्दर ऐसे प्लांट्स में बढ़ते जाता है सो so, क्या होगा ये जो प्लांट है वो पैथोजन के मूवमेंट को रोकने के लिए एक लेयर का फॉर्मेशन करता है जिसे कॉर्क लेयर कहते हैं जैसे कि यहां पर अगर इन्फेक्शन हुआ है तो इसके चारों ओर ये एक लेयर का फॉर्मेशन करेगा उससे क्या होगा यह जो पैथोजन है वो प्लांट्स में मूव नहीं कर पाएगा और दूसरा क्या होगा ये जो प्लांट सेल है यहां से न्यूट्रिएंट और वाटर इस कॉर्क लेयर से पार नहीं कर पाएंगे जिससे कि यह जो पैथोजन है वो प्लांट से अलग हो जाएगा इसे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो यह पैथोजन मर जाएगा और साथ ही साथ यहां के जो सेल्स हैं वो भी मर जाएंगे तो ये होता है कॉर्क क्लियर। इन्फेक्शन बाई फंजाई बैक्टीरिया एंड सम वायरसेस एंड निमेटोड्स इंड्यूस द प्लांट टू फॉर्म सेवरल लेयर्स ऑफ कॉर्क क्लियर बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ इंफेक्शन एंड इनहिबिट द फर्दर इन्वेजन बाई द पैथोजन कारियर ब्लॉक द स्प्रेड ऑफ टॉक्सिन्स सिक्रेटेड बाई द पैथोजन ऑल्सो स्टॉप द फ्लो ऑफ न्यूट्रिय एंड वाटर फ्रॉम द हेल्थी टू इंफेक्टेड एरिया एंड डिप्राइव द पैथोजन ऑफ नरिशमेंट और ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो पोटेटो ट्यूबर में देखा गया है राइजक्टोनिया पैथोजन के अगेंस्ट में सो so, आपके लिए क्वेश्चन है कि राइजोक्टोनिया सोलेनी से पोटेटो में कौन सा डिजीज होता है आप ये कमेंट करके बताइए यह है कॉर्कलेयर का डायग्राम यहां पर इन्फेक्शन हुआ होगा तो यह कॉर्कलेयर का फॉर्मेशन हुआ और यहां से पैथोजन का जो मूवमेंट है वो रुक गया है और प्लांट से न्यूट्रिएंट का इधर आना भी रुक गया है जिसके कारण से यहां का जो सेल है वो भी मर जाता है और यहां पर जो पैथोजन प्रेजेंट है वो भी मर जाता है लेयर एन एप्सेसन लेयर कंसिस्ट ऑफ अ गेप फॉर्म बिटवीन द इन्फेक्टेड एंड हेल्दी सेल्स ऑफ द लीफ बाय डिस इंटीग्रेशन ऑफ द मिडल लेमिला ऑफ पैर टिश्यू एप्सेशन लेयर आर फॉर्म ऑन द यंग एक्टिव लीव ऑफ स्टोन फ्रूट्स इन्फेक्टेड बाई फंजाई वायरस एंड बैक्टीरिया सो यह किसमें देखा गया है जेंथोमोनासप्रूनी के अगेंस्ट में पीच प्लांट में जैसे कि यहां पर यह प्लांट का लीफ है और इस लीफ में यहां पर इन्फेक्शन हुआ है सो so, क्या होगा प्लांट में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे मिडल लेमिला कहते हैं ये दो सेल के बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है मतलब कि मिडल लेमिला दो प्लांट सेल को जोड़ के रखता है सो so, इन्फेक्शन के बाद क्या होता है ये प्लांट अपने मिडल लेमिला को तोड़ देता है जिसके कारण से यहां पर एक गैप बन जाता है और ये जो इन्फेक्टेड लीफ है वो गिर जाती है और साथ ही साथ यहां पर जो पैथोजन प्रेजेंट है वो भी गिर जाता है और जो इंफेक्शन है वो आगे नहीं बढ़ता है सो so, इस प्रकार से प्लांट एप्सेसन लेयर बनाकर अपने आप को डिफेंड करता है अब देखते हैं डिफेंस गम्स आर गिपोजिटेड इन इंटरसेलुलर स्पेस एंड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ पैथोजन सो जैसे ये एक सेल है ये दूसरा सेल है और जो सेल के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है ये है इंटरसेलर स्पेस सो पैथोजन का जब इन्फेक्शन होता है उस समय इंटरसेलर स्पेस में गम का डिपोजिशन होता है यहां पर गम जमा हो जाता है जिसके कारण से जो पैथोजन है वो आगे नहीं बढ़ पाता है पेपिली कैलस डिपोजिटेड ऑन द इनवेडिंग हाइफी ऑफ द फंजाई एंड प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड ऑफ द पैथोजन जैसे कि ये माइसिलियम है फंगस का प्लांट्स के अंदर में ये इन्फेक्शन करेगा और इन्फेक्शन के बाद में ये बहुत सारे अपना माइसीलियम बनाएगा लेकिन क्या होता है जो रजिस्टेंट प्लांट होते हैं उसमें फंगस के सेल के चारों तरफ कैलस का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है और जिसके कारण से ये जो पैथोजन है आगे ग्रोथ नहीं कर पाता है और फिर ये यहां पर मर जाता है ऐसे टाइप का डिफेंस रिस्पांस देखा गया है लिंसिट्स में फ्यूजेरियम oxysporum फार्मा स्पेशलिस्ट लीनी के अगेंस्ट में सो so ये एक विल्ट डिजीज करने वाला पैथोजन है। अब देखते हैं telosis. पहले देखते हैं टाइलोसिस क्या होता है जैसे कि ये जाइलम वेसल्स है ये पानी को ऊपर ले जाने में हेल्प करते हैं अगर पैथोजन का यहां पर इंफेक्शन होता है जो विल्ट पैथोजन होते हैं और जो जाइलम्स में मल्टीप्लाई होते हैं अगर यहाँ पर पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ है तो जाइलम वेसल्स के साइड में जो काइमा सेल प्रेजेंट होता है यहां पर काइमा सेल प्रेजेंट है वो जाइलम वेसल्स में ऐसे अंदर आते हैं और बढ़ने लगते हैं और ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसी को कहते हैं टाइलोसिस सो ये कैसे डिफेंस में हेल्प करेगा जैसे कि ये रूट है इसके अंदर में जाइलम वेसल्स है यहाँ पर पैथोजन का इन्फेक्शन हो गया है सो इन्फेक्शन होने के बाद ये पैथोजन आगे की तरफ मूव करेगा तो इसी मूवमेंट को रोकने के लिए जो प्लांट के पैरन सेल हैं जाइलम के आसपास वो जाइलम वेसल्स के अंदर आ जाते हैं और बढ़ने लगते हैं इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे सेल बढ़ने लगते हैं जिसके कारण से ये जाइलम वेसल्स ब्लॉक हो जाता है और ये पैथोजन ऊपर की तरफ मूव नहीं कर पाता टाइलोसिस आर द ओवरग्रोथ ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ एडजेसेंट लिविंग पैर सेल ऑफ जाइलम टिश्यू टाइलोसिस हैव सेलुलोटिक वॉल्स एंड आर फॉर्म क्विकली अहेड ऑफ द पैथोजन एंड में क्लॉक द जाइलम वेसल्स एंड कंप्लीटली ब्लॉकिंग द मोमेंट ऑफ पैथोजन सो यह जो टाइलोसिस है वो मोस्टली वस्कुलर वील्ड के अगेंस्ट में देखा गया है आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं प्री एग्जिस्टिंग केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट ये जो केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म है ये इन्फेक्शन से पहले प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि इनहिबिटर्स रिलीज बाई द प्लांट इन इट्स इन्वायरमेंट जैसे कि ये प्लांट है ये इसके लीफ हैं तो पहले से ही ये केमिकल्स कुछ ऐसे सीक्रेट्स करेगा जो कि प्लांट के सरफेस में प्रेजेंट रहेगा जो पैथोजन के ग्रोथ को रोकेगा या फिर फॉर्म्स इनहिबिटर्स पहले से ही ये जो इनहिबिटर्स हैं वो प्लांट के सेल के अंदर प्रेजेंट है या फिर रेजिस्टेंट प्लांट में न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि पैथोजन के ग्रोथ के लिए जरूरी है और अगर ये प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में ये पैथोजन ऐसे प्लांट्स में इन्फेक्शन नहीं करेगा एक एक करके थोड़ा डिटेल में देखते हैं इन्हीविटर्स रिलीज बाई द प्लांट इन इट्स इन्वायरमेंट ऐसा देखा गया है कि टोमेटो और सुगर बीट्स के लीफ में ऐसे केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है जो कि फंगस के जर्मिनेशन को रोकता है सो टोमेटो में ऐसा केमिकल प्रेजेंट होता है जो कि बोट्राइटिस के जर्मिनेशन को रोकता है और सुगर बीट के लीफ में ऐसा केमिकल प्रजेंट होता है जो कि सर्कोसपोरा के स्पोर्स के जर्मिनेशन को रोकता है और अनियन में भी ऐसा देखा गया है अनियन में कोलेटोट्राइकम सर्सिनेंस का इंफेक्शन होता है जिसके कारण से अनियन में एक डिजीज होती है जिसे अनियन इसमस कहते हैं जो रेजिस्टेंट अनियन होते हैं उनमें एक केमिकल का सिक्रीशन होता है यह जो सिक्रीटेड कंपाउंड्स होते हैं वो फिनोलिक कंपाउंड्स हैं और उनका नाम है एसिड एंड कैटेचोल ये जो केमिकल है फिनोलिक कंपाउंड है ये पैथोजन के इन्फेक्शन से पहले से ही प्रेजेंट होता है और ये अनियन के द्वारा अपने आसपास के इन्वायरमेंट में श्रावित किया जाता है फ्री फॉर्म इनहिबिटर्स फिनोलिक कंपाउंड टेनिन्स एंड सम फैटी एसिड्स लाइक डाइन्स विच आर प्रेजेंट इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इन द सेल्स ऑफ यंग फ्रूट्स लीव्स और सीड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रजिस्टेंस अगेंस्ट मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम लाइक बोटराइटिस ही कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और इन्फेक्शन से बचाता है लेक ऑफ इसल सब्सटेंस फॉर द पेथोजन ये जो मैकेनिज्म है वो पोटेटो में देखा गया है और अरविनिया कैरेटोवरा के अगेंस्ट में देखा गया है फॉर एग्जाम्पल्स पोटेटो की दो वेरायटी है एक में लो शुगर है और दूसरे में हाई शुगर कंटेंट है सो so, जो वो रहा है, जिसके कारण से सॉफ्ट रॉट होता है पोटेटो में रॉटिंग होती है वो लो शुगर वाले वेराइटी में कम इंफेक्शन करेंगे और हाई सुगर वाले वेराइटी में ज्यादा इंफेक्शन करते हैं अब हम देखते हैं इंड्यूस्ड केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म ऐसा डिफेंस रिस्पॉन्स जो कि पहले से ही प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं है लेकिन जब पैथोजन का इन्फेक्शन होता है और प्लांट्स को पता चलता है कि इन्फेक्शन हुआ है तो जो रेजिस्टेंट प्लांट होते हैं वो इस तरह से डिफेंस मैकेनिज्म शो करते हैं जैसे सेंसिटिविटी सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, प्रोडक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एंजाइम्स प्रोडक्शन ऑफ फाइटो एंड प्रोडक्शन ऑफ पीआर आर प्रोटीन्स आर थोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो रजिस्टेंट प्लांट में प्रेजेंट होता है लेकिन ससेप्टिबल प्लांट में एबसेंट होता है इसीलिए तो ससेप्टिबल प्लांट में बीमारी ज्यादा आती है और रजिस्टेंट प्लांट में बीमारी कम आती है हाइपरसेंसिटिविटी दिस इज ऑल्सो नोन एज सेंसिटिव रिस्पॉन्स इट इज अ रेपिड लोकेलाइज सेल डेथ दैट अकर्स एट द पॉइंट ऑफ पैथोजन पेनेट्रेशन एंड इज एसोसिएटेड विथ डिजीज रेजिस्टेंस सो जहां पर पैथोजन का इंफेक्शन होता है वहां की कोशिकाएं मर जाती हैं जिसे हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स या हाइपरसेंसिटिविटी कहते हैं इसके टर्मिनोलॉजी से ही पता चल रहा है हाइपर सेंसिटिविटी जो संवेदनशीलता है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है फॉर एग्जाम्पल्स ये बहुत सारे प्लांट्स के सेल हैं और इस सेल में इन्फेक्शन होता है तो क्या होगा इसके आसपास के जो सेल हैं वो सब मरने लगते हैं और उससे क्या होगा अगर ये सेल मर जाएंगे तो पैथोजन आगे मूव नहीं कर पाएगा और इस पैथोजन को न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिलेंगे तो जहाँ से इन्फेक्शन होता है उसकी आसपास की कोशिकाएं जब मर जाती हैं तो उसे हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन कहते हैं सिस्टमिक एक्वायर्ड रजिस्टेंस सिस्टमिक एक्वायर्ड रजिस्टेंस इज द एक्टिवेशन ऑफ डिफेंस इन डिस्टल नॉन इन्फेक्टेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी इनोकुलेशन विद फंगल लिप स्पॉट पैथोजन रिड्यूस द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द होस्ट प्लांट टू अदर फंजाई एज वेल एज बैक्टीरियल एंड वायरल पैथोजन सो यह सिस्टमिक एक्वायर्ड रजिस्टेंस क्या है यहाँ पर पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ है तो जो डिफेंस रिस्पॉन्स है वो केवल यहीं पर ही इंड्यूस होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है इसमें एक केमिकल का सिक्रीशन होता है और वो केमिकल प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में जाते हैं और वहाँ पर जाके डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देते हैं तो रिज़ल्ट में क्या होता है कि इन्फेक्शन तो एक पत्ते में हुआ है लेकिन डिफेंस रिस्पॉन्स पूरे प्लांट्स में एक्टिवेट हो जाता है और इसी को कहते हैं सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। सिस्टमिक मतलब कि यहां पर एक केमिकल का सिक्रीशन होता है और जो कि सिस्टमिक मूव करता है प्लांट में और रेजिस्टेंस को एक्टिवेट करता है जो इसमें केमिकल है जिसका मूवमेंट सिस्टमिक होता है उसे कहते हैं सेलिसिलिक एसिड सेलिसिलिक एसिड इज पार्ट ऑफ सिग्नलिंग पाथवे इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ द डिफेंस रिस्पॉन्स थ्रू आउट द प्लांट टू प्रोड्यूस सिस्टमिक एक रजिस्टेंस सो सिस्टमिक एक रजिस्टेंस का और एक फ़ायदा है अगर यहाँ पर किसी एक पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ है माना कि पैथोजन एक का इन्फेक्शन हुआ है यहाँ पर सिस्टमिक एकवायर्ड रजिस्टेंस डेवलप होगा और पूरा प्लांट रजिस्टेंट हो जाएगा और ये जो प्लांट है वो फ्यूचर में होने वाले इन्फेक्शन से प्रिपेयर हो जाता है ये एक तरह से वैक्सीनेशन का काम करता है जैसे ह्यूमंस में बच्चे में वैक्सीनेशन लगाया जाता है ताकि वो फ्यूचर में होने वाली बीमारी से लड़ सके बिल्कुल वैसा ही प्लांट्स में है जैसे यहाँ पर अगर एक ए पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ है और ए से आर जो है सिस्टमिक एक्वायर रेजिस्टेंस एक्टिवेट हो गया पूरे प्लांट्स में डिफेंस रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो गया है अगर इसमें पैथोजन बी या कोई बैक्टीरिया वायरस इनका इन्फेक्शन होगा तो उस समय प्लांट्स रेडी रहेगा और यह जो बीमारी है वो ज्यादा डेवलप नहीं होगी होप करता हूं कि मैं जो बता रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा होगा अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ एस ए यह जो सेलिसलिक एसिड है प्लांट के दूसरे पार्ट्स में जाके क्या करता है सो so, ये तीन तरह से डिफेंस को एक्टिवेट करता है पहला है प्रोडक्शन ऑफ एच टू ओ टू इसे हाइड्रोजन H2O2। so, H2O2 प्रोडक्शन प्लांट्स के हर सेल में होने लगता है और ये एच टू ओ टू के लिए हार्मफुल होते हैं ये पैथोजन को किल कर देते हैं थिकनिंग ऑफ प्लांट सेल वॉल सो so, लिग्निन और टेनिक एसिड का प्रोडक्शन होता है और ये जो सेल वाल होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है जिससे जो पैथोजन है वो पेनेट्रेट नहीं कर सकता और प्लांट में डिजीज नहीं होती है तीसरा है एक्यूमुलेशन ऑफ पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन्स या पी आर प्रोटीन्स सो ये जो पी आर प्रोटीन्स हैं इनके बारे में हम आगे देखेंगे डिफेंस मैकेनिज्म का अगला टाइप है प्रोडक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एंजाइम्स कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के या पैथोजेंस के ग्रोथ को रोकते हैं जैसे कि पाल एंजाइम फिनाइल अमोनिया लाइएज दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिनोल्स फाइटो एंड अदर डिफेंस रिलेटेड केमिकल सो जैसे इन्फेक्शन होता है प्लांट में वो पाल एंजाइम को एक्टिवेट कर लेते हैं और ये पाल एंजाइम बहुत सारे फिनोलिक कंपाउंड्स फाइटो और ऐसे ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जो कि पैथोजन के लिए नुकसानदायक होते हैं और पैथोजन को डिजीज करने से रोकते हैं फिर है फाइटोएल फाइटोएल ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि फंगस और बैक्टीरिया के डेवलपमेंट को रोकते हैं और फाइटोएलगजिन का बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन फंगस और बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक सकता है फाइटोएल आर प्रोड्यूस्ड बाई द होस्ट इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन आर मेटाबोलिक बाई प्रोडक्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो ये जो फाइटो एलोक्ट का प्रोडक्शन है वो इन्फेक्शन के बाद या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बाई प्रोडक्ट के अगेंस्ट में प्रोड्यूस होता है द फाइटो एलेक्जेंस आर एबसेंट इन हेल्दी सेल्स आर प्रजेंट इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन इन्फेक्शन से पहले फाइटो एलैक्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम होता है लेकिन इंफेक्शन के बाद इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है यूजली रिमेन क्लोज टू द साइट ऑफ देयर प्रोडक्शन सो फाइटो का कॉन्सेंट्रेशन इंफेक्शन के साइट्स में ज्यादा होता है मतलब जहां पर इंफेक्शन हुआ है वहां के सेल्स में फाइटोएलेक्सिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है कुछ फाइटोएलेक्स के एग्जाम्पल्स लेग्यूम्स में प्रेजेंट फाइटोलैगजेंस फेसियोलिन फेसियोलोडिन कॉमन बीन्स में प्रेजेंट होता है पिसाटीन पी में प्रेजेंट होता है रिसीटीन पोटेटो टोमेटो में प्रेजेंट होता है कैप्सीडोल चिली में प्रेजेंट होता है इस प्रकार से अलग अलग प्लांट्स अलग अलग टाइप के फाइटोल बनाते हैं पी आर प्रोटीन्स पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन्स दीज प्रोटीन्स आर इनकोडेड बाई द होस्ट प्लांट बट इंड ओनली इन द पैथोलॉजिकल आर रिलेटेड सिचुएशंस ये बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में प्लांट्स में प्रजेंट हो सकते हैं लेकिन इन्फेक्शन के बाद या फिर स्ट्रेस कंडीशन में स्ट्रेस कंडीशन जैसे कि बहुत ज़्यादा सनलाइट हो गया बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया या फिर वाटर की कमी हो गई उन सब कंडीशन में भी इनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है प्रोडक्शन के बाद ये पीआर आर प्रोटीन्स या तो सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे या फिर जो इंटरसेलुलर स्पेस है वहाँ पर भी प्रजेंट होते हैं अलग अलग क्रॉप में अलग अलग टाइप का पीआर आर प्रोटीन्स सिक्रिट्स होता है अभी तक सेवनटीन क्लास के पी आर देखे गए हैं जो कि अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग पैथोजन के अगेंस्ट में प्रोड्यूस होते हैं ये है 17 क्लास ऑफ पी आर प्रोटीन्स जो पी आर वन है वो एंटीफंगल होता है जो पी आर टू है वो एंटीबैक्टीरियल होता है वैसी टाइप के जो 17 क्लास हैं इनका मोड एक्शन अलग अलग होता है सो so, इतने में जो प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म है वो कंप्लीट हुआ इसको एक बार समराइज कर लेते हैं जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो बेसिकली टू टाइप का होता है बायोकेमिकल जो कि सेल के अंदर होगा और फिजिकल या फिर स्ट्रक्चरल जो कि फिजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अब ये टू टाइप के होते हैं इन्फेक्शन से पहले इन्फेक्शन से बाद मतलब कि प्री इन्फेक्शनल पोस्ट इन्फेक्शनल प्री इन्फेक्शनल पोस्ट इन्फेक्शनल फ्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म इन्फेक्शन से पहले प्रेजेंट स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म वैक्स लेयर जो कि वाटर रिपेलेंट होते हैं और प्लांट के सरफेस में वाटर को रुकने नहीं देते हैं क्यूटिकल लेयर जिसका थिकनेस अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है ट्राइकोम्स ये जो हेयर्स होते हैं पैथोजन को प्लांट सरफेस से चिपकने से रोकते हैं और सेप एंड एक्टिविटी ऑफ स्टोमेटा इस्टोमेटा अगर लेट में ओपन होता है या फिर उसके या तो उसके गार्ड सेल उभरे हुए होते हैं तो ऐसे कंडीशंस में इन्फेक्शन कम होता है इंड्यूस्ड स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म इन्फेक्शन के बाद बनने वाले जैसे कि ये सेल है यहां पर फिर पैथोजन का इंफेक्शन हुआ ये जो प्लांट के सेल हैं एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं और इस पैथोजन को बढ़ने से रोकते हैं या तो ऐसे भी हो सकता है जैसे ये लीफ है और यहां पर इंफेक्शन हुआ तो यहां पर एप्सेशन लेयर बनता है जो मिडल ने मिला है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है जिसके कारण से यहाँ पर गैप बनता है और ये इंफेक्टेड लीव्स गिर जाती है डिपोजिशन ऑफ गम्स इसके सेल्स में गम का डिपोजिशन होता है जिससे पैथोजन का ग्रोथ कम हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ पेपीली जहां से फंगस प्लांट सेल में एंटर कर रहे हैं तो वहां पर कैलस का डिपोजिशन हो जाता है और ये ग्रोइंग माइसिलियम को रोकते हैं फिर है टाइलोसिस टाइलोसिस का फॉर्मेशन जाइलम वेसल्स में होता है और आसपास की जो पैरेंट कैमेटा सेल हैं वो अंदर में ग्रो करती हैं और जाइलम वेसल्स को ब्लॉक कर देती हैं जिससे जो पैथोजन है वो नीचे से ऊपर नहीं जा सकता प्री एग्जिस्टिंग केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म ये पहले से ही प्रेजेंट होते हैं तो इनहीबिटर रिलीज बाई द प्लांट इन इट्स इन्वायरमेंट जैसे कि ये प्लांट सेल है तो यहां से एक केमिकल का सिक्रेशन होता है और पैथोजन के ग्रोथ को या फिर स्पोर के जर्मिनेशन को रोकता है प्री प्रीफॉर्म्ड इनहिबिटर्स कुछ ऐसे इनिबिटर्स होते हैं जो कि प्लांट सेल के अंदर में प्रेजेंट होते हैं यह बाहर इन्वायरमेंट में नहीं जाते हैं यह प्लांट के सेल के अंदर होते हैं ऐसे सब्सटेंस जो कि पैथोजन के ग्रोथ के लिए जरूरी है वैसे केमिकल्स यहाँ पर प्लांट्स में एबसेंट होते हैं जिससे पैथोजन वहाँ पर इन्फेक्शन नहीं करता है इंड्यूस्ड केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म पैथोजन के इन्फेक्शन के बाद बनने वाले डिफेंस मैकेनिज्म हाइपर सेंसिटिविटी जैसे यहाँ पर पैथोजन का इन्फेक्शन हो रहा है तो क्या होगा इसके आसपास के जो सेल हैं वो मरने लग जाते हैं हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं फिर क्या होगा इसमें केमिकल का सिक्रेशन होता है सेलिसलिक एसिड ये प्लांट्स के सिस्टम में मूव करता है और सभी पार्ट्स में जाके ये बता देता है कि इन्फेक्शन हो रहा है अब आप लोग रेडी रहो उसके बाद जो प्लांट्स के सेल हैं उनमें डिफेंस रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है और फ्यूचर में होने वाले डिजीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एंटी माइक्रोबियल एंजाइम्स इन्फेक्शन के बाद प्लांट सेल्स में ऐसे एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है जो कि डिफेंस रिस्पॉन्स को इंड्यूस कर देते हैं प्रोडक्शन ऑफ फाइटोइल एंड प्रोडक्शन ऑफ पी आर ये ऐसे बायोकेमिकल्स हैं जो कि पैथोजन के ग्रोथ को कम करते हैं और अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप के फाइटोइल प्रेजेंट होते हैं और पी आर प्रेजेंट होते हैं ये जो केमिकल्स होते हैं वो इन्फेक्शन से पहले बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं

Follow our Facebook page Ketiki Jankari. Thanks for watching the video till end. We will meet again in next video.